बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे का सियासी माहौल लगातार चढ़ता जा रहा है। आरजेडी सत्ताधारी गठबंधन को शिकस्त देने के लिए हल्ला बोल की तैयारी कर रही है। तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है, जिसे लेकर महागठबंधन में तलखियां बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर एक बार फिर से सत्ता में वापसी का ख्वाब पूरा करने के लिए जोर लगा रही है। देश में फैली स्वास्थ्य मुसीबत के बीच जहां केंद्र से लेकर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर काम करने में जुटी हैं, तो वहीं कई राज्यों में चुनाव की सुगबुगाहट ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा बिहार की चर्चा है, जहां साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें जीत हासिल करने के लिए जोर तो हर दल लगा रहा है। जेडीयू और बीजेपी सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। दरअसल नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव मैदान में उतरने के लिए एनडीए के सभी दल एकमत नजर आ रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन में अभी तक मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी पर सहमति नहीं बन पा रही है। आरजेडी तेजस्वी यादव के चेहरे के सहारे चुनावी मैदान में उतरने को लेकर अपनी मंशा कई बार जाहिर कर चुकी है। इसके बावजूद महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने हाल ही में महागठबंधन के अपने सहयोगियों को दो टूक कह दिया कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव ही है और आगे भी वही रहेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन के सहयोगी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिए बगैर हिदायत देते हुए कहा कि आप लोग आपस में बयानबाजी करने के बजाय हमारे साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ने की रणनीति बनाएं। अब ये सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी ही है और रहेंगे। इसको लेकर आप लोगों को कंफ्यूजन क्यों है? इसके अलावा उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इसके पीछे सहयोगी दल सीटों की बार्गेनिंग के लिए दबाव की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं है, लेकिन बीजेपी ने पहले ही नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में एनडीए की मजबूती और महागठबंधन में बढ़ती रार आने वाले दिनों में सियासत में क्या हलचल मचाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।